तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त फायरबेस के सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम लोग लॉग इन करना सीखेंगे। तो मेरा नाम मुकेश, चलो शुरू करते हैं। ये जो है साइन अप, लॉग इन भी इसी तरीके का होता हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और आल शिफ्ट डाउन की प्रेस करता हूँ, बूम। और इसमें साइन अप की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग इन। ओके, अब मेरे को लॉगिन वाला पकड़ना पड़ेगा। ये इसको नाम क्या दिया हुआ था, लॉगिन ईमेल। ओके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे अगेन फिर से लॉगिन पासवर्ड, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, ये हो गया। यहाँ पे क्रिएट यूजर विद ईमेल के जगह पे डॉक्यूमेंटेशन रीड कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है साइन इन करना, लॉग इन या साइन इन एक ही बात है। सेम टू सेम है, बस यहाँ पे नाम चेंज हो गया। क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड की जगह साइन इन, ये अपने को कॉपी करना है। और यहाँ पे जो है हमारा जो कोड है यहाँ पे बूम पेस्ट करना है, नो चेंजेस। यस, सेव करते हैं एंड अब हम लोग आई गेस लॉग इन कर पाएंगे। ओके ओके, सॉरी फॉर दैट। लॉग इन कॉल भी तो करना पड़ेगा, फंक्शन को बना देने से ही थोड़ी काम हो जाएगा। ओके, सो इसको कब कॉल करना है हम लोग को, लॉग इन वाला फॉर्म कहाँ है, ये वाला, ये रहा। यहाँ पे ऑन सबमिट, बूम, एंड यहाँ पे लॉग इन, एंड देन यहाँ पे इवेंट पास करेंगे। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। ओके, सो ये है हमारा डॉक्यूमेंट। ओके, लॉग इन abc@abc.com, मतलब मेक श्योर करना है कि एग्जिस्ट करता हो ये यूजर 1 2 3 4 5 6, एंड यस वेलकम एबीसी। अगर मान लो हम लोग कुछ ऐसा यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, वो डाले मे बी यू नो सबमिट करो, सो हम लोग को एरर मिलेगा, नो यूजर रिकॉर्ड प्रेजेंट टू आइडेंटिफाई द यूजर में हैव बीन डिलीटेड। ओके, अब ये जो है इतना, ये जो जो एरर मैसेज है ना, उतना फ्रेंडली नहीं है। तो मैं वैसे तो रिकमेंड नहीं करता इस टाइप के एरर मैसेजेस डॉम पे डिस्प्ले करना। इसका एक यू नो एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। सपोज कर कोई हैकर है, वो हमारी वेबसाइट पे लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग उसको हिंट नहीं देना चाहते हैं कि उसने मतलब यूजर आईडी गलत डाला है। अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे सही डालता, ठीक है, और पासवर्ड गलत डालू, ठीक है, पासवर्ड गलत सबमिट करूँ, तब देखें तो क्या एरर मैसेज आ रहा है, पासवर्ड इज इनवैलिड, यूजर मस्ट हैव सेम। मतलब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हैकर को हिंट दे दे रहे हैं। हिंट क्या दी, मतलब हैकर ने ईमेल आईडी गैस सही कर ली बट पासवर्ड गलत गैस किया, ये हम लोगों ने हैकर को हिंट दे दी। हम लोगों को क्या करना चाहिए, कस्टम मैसेज थ्रो करना चाहिए। अगर पासवर्ड सिर्फ गलत है तभी भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, ईमेल और पासवर्ड दोनों गलत है ऐसा मैसेज शो करना चाहिए। ये एक अच्छी अप्रोच होती है। बट ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे कोई इशू नहीं है, हम लोग को फायरबेस से जो मैसेज मिल रहे हैं उसका हम लोग यहाँ पे एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे को एक पॉइंट क्लियर करना था। यस, तो ये कोई वैलिडेशन का यू नो कोर्स नहीं है, फायरबेस का कोर्स है, तो मैं फायरबेस के फीचर्स दिखा रहा हूँ, दैट्स इट। तो इसलिए मैंने ये फायरबेस का जो फीचर है इसको इसका एडवांटेज लिया है। यस, ये जो मैसेज वाला है, जो यूजर इज इनवैलिड और यूजर डज नॉट हैव अ पासवर्ड, सो उसी का हम लोग जो मैसेज है बढ़िया है, मतलब जो मैसेज जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बढ़िया है, तो वो मैंने ऐसे ही डॉम पे शो कर दिया क्योंकि अच्छा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ऐसा करेंगे तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट रखना था तो रख दिया मैंने। ओके, अब क्या करेंगे, जब यूजर लॉग इन हो रहा है या साइन अप हो रहा है, सबसे पहले तो मेरे को दो चीज करनी है, ये जो पॉपअप है ये क्लोज करना है, और ये जो है वैल्यूज एम्प्टी करनी है। यस, तो वैल्यूज एम्प्टी करना तो आसान है। ये जो है ईमेल, यहाँ पे ईमेल इसको पकड़ेंगे और डॉट इसका जो वैल्यू है इसको कर देंगे खाली, एंड अगेन इसको ईमेल डॉट पी ए पासवर्ड इसको कर देंगे खाली, ये कॉपी करेंगे कंट्रोल सी एंड सेम टू सेम लॉजिक बूम यहाँ पे भी डालेंगे। ये हो गया। अब मॉडल क्लोज करना है तो उसके लिए तो डॉक्यूमेंटेशन रीड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे तो मॉडल पे आएंगे, मटेरियलाइज में ना कभी भी ब्रेकिंग चेंज नहीं हुआ, मैं 2 5 3 साल से यही यूज कर रहा हूँ, सेम टू सेम डॉक्यूमेंटेशन है, कोई चीजें चेंज ही नहीं हुई है। ओके, मॉडल क्लोज करने का तरीका, सबसे पहले तो मॉडल को पकड़ना पड़ेगा हम लोग को,
एंड उसके बाद इंस्टेंस में हम लोग क्लोज लगा सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है, या तो दूसरा तरीका भी है आई गेस सो, कहीं पे तो मैंने देखा था, एक दूसरा तरीका भी था गेट इंस्टेंस करके, यस ये रहा, अगर इंस्टेंस चाहिए हम लोग को तो एम डॉट मॉडल गेट इंस्टेंस और उसके अंदर एलिमेंट पास कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। सबसे तो एलिमेंट तो पकड़ना ही पड़ेगा इसमें, हम लोग का एलिमेंट पास करना है तो ठीक है। तो हम लोग के पेज में टोटल कितने मॉडल्स हैं, दो मॉडल्स हैं, मतलब ये और एक ये, तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज करते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। हाँ सो सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे लेट्स से कॉन्स्ट एंड इसको क्या नाम दे, माय मॉडल लेट्स एंड डॉक्यूमेंट, अगर फ्यूचर में एक और मॉडल डालेंगे तो फिर हाँ मतलब तो यहाँ पे चेंज, मतलब इस एक ही लाइन से तीनों मॉडल पकड़ा जाएंगे, तो अभी हमारे में दो मॉडल, दोनों मॉडल हम लोग इसी एक ही लाइन लिख के पकड़ ले रहे हैं, तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग को क्लास नेम से पकड़ना है ना, दोनों को सेम क्लास दी हुई है जो है मॉडल डॉट मॉडल, डॉट क्यों, क्योंकि क्लास दिया हुआ है, दोनों को सेम क्लास दी हुई है ना, देखो इसको भी मॉडल दी हुई है, इसको भी मॉडल दी हुई है, यस तो हम लोगों ने दोनों को पकड़ लिया, मतलब जीरो एलिमेंट में हमारा है साइन अप वाला और वन एलिमेंट में हमारा लॉग इन वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस यस यही है। सो साइन अप वाले में साइन अप वाला पहला वाला था ना, हाँ सो ये जो है माय मॉडल, ये जीरोथ वाले में साइन अप वाला, ओके सो ये मेरे को पास करना है किसको, इसको है ना, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी एंड यहाँ पे इसकी पास कर देता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्लोज एक्सेस कर सकता हूँ लाइक सो, सेम टू सेम लॉजिक, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी एंड यहाँ पे वन के जीरो के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे वन लाइक सो। ओके लेट्स टेस्ट दिस अगेन, पासवर्ड्स वीक डाल रहे हैं तो ये बार बार क्रोम अलर्ट कर रहा है हम लोग को, ओके abc@abc.com 1 2 3 4 5 6 सबमिट एंड या क्लोज हो गया मॉडल और वैल्यूज भी एम्प्टी हो गई, ओके ब्यूटीफुल अमेजिंग। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, जब हम लोग यू नो यूजर साइन अप कर रहे थे लॉग इन कर रहे थे तो हम लोग उन्होंने यू नो इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग लॉग इन साइन अप करते हैं तो हम लोग को एक टोकन देता है फायरबेस जो हमारा बैकएंड है, वो यहाँ पे सेव होता है, एप्लीकेशन में आएंगे और यहाँ पे एक इंडेक्स डीबी करके कुछ दिखा, इसको एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे सेव होती है चीजें, इसको एक्सपेंड करूं यहाँ पे होती है चीजें सेव चीजें, अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करूंगा तो ये एम्प्टी हो जाएगा ये जो चीज है, और यहाँ पे इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसमें वैल्यू को एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे कहीं पे देखेगा कहाँ गया ये है क्या, ये रहा हमारा एक्सेस टोकन, ये रहा ये एक्सेस टोकन, ये हमारा JWT है बेसिकली, ये जो है ना ये JWT है, यस। तो जब हम लोग लॉग इन करते हैं साइन अप करते हैं ना तो हम लोग को ये JWT मिलता है और उसके बाद से लॉग इन या साइन अप करने के बाद से जो भी हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट करते हैं ना उसमें ये ऑटोमेटिकली हेडर्स में अटैच्ड होता है, ये जो JWT हम लोग को मिला है, तो जो हमारा बैकएंड है फायरबेस को वेरीफाई करता है उस टोकन को, अगेन डिक्रिप्ट करता है बैकएंड पे एंड वेरीफाई करता है कि हाँ ये वही इंसान है ना, मतलब इसको परमिशन है ना फायरबेस फायर स्टोर यूज करने की, हाँ इसको ये इस फीचर की परमिशन है कि नहीं, तो ये सब चीजें बैकएंड पे फायरबेस वैलिडेट करता है कैसे, इस टोकन के कारण। वैसे हम लोग को मैन्युअली हेडर्स वगैरह में इंक्लूड नहीं करना पड़ता, ये पूरी प्रोसेस फायरबेस ने हमारे लिए ऑटोमेट की हुई है, बट पता होना चाहिए करके मैं इसलिए यहाँ पे बता दिया, यस कि यहाँ पे डिटेल्स हमारे स्टोर हुई हमारे ब्राउजर में, यहाँ पे चीजें स्टोर हुई है, ओके या सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई गेस सारी चीजें हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दी, तो या इस वीडियो के लिए इतना ही था, तो मिलता हूँ तुम लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।